नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं सन 1999 को रिलीज हुई कोहराम फिल्म की शूटिंग लोकेशन। दोस्तों, कोहराम फिल्म की शूटिंग लोकेशन देखने से पहले आपको बता दें, इसकी मुख्य भूमिका में आप सबको नज़र आए थे अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, जेके श्रॉफ, डैनी और तब्बू। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आप सबने फिल्म के अंदर एक सीन इस प्रकार से देखा होगा जहां पे मिनिस्टर वीरभद्र सिंह की रैली निकाली जाती है, जो आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हो। और दोस्तों, यदि बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो इस सीन को रोड एन एकोटेल होटल मुंबई में फिल्माया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर लीजिए। दोस्तों, अब चलते हैं फिल्म की सेकंड शूटिंग लोकेशन की तरफ और अब जानते हैं सेकंड शूटिंग लोकेशन। दोस्तों, आप सबने फिल्म के अंदर एक सीन इस प्रकार से देखा होगा जहां पे जेके श्रॉफ की हत्या कर दी जाती है, जो सीन अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और दोस्तों, इस सीन की शूटिंग लोकेशन में एक पुलिया दिखाई जाती है। और बात करें इसके सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो यह सीन फिल्म सिटी मुंबई गोरेगांव में फिल्माया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर लीजिए। दोस्तों, अब जानते हैं नेक्स्ट लोकेशन। और नेक्स्ट लोकेशन में आपने एक सीन इस प्रकार से देखा होगा जहां पे डैनी और मुकेश ऋषि बात करते रहते हैं। दोस्तों, बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो इस सीन को शिमला के पाइन फॉरेस्ट के बाहर फिल्माया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो। दोस्तों, अब चलते हैं फिल्म के नेक्स्ट लोकेशन की तरफ और आप सबने फिल्म के अंदर एक सीन इस प्रकार से देखा होगा जो एक रैली के अंदर दिखाया जाता है। और दोस्तों, बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो इस सीन को रोड एन एकोटेल होटल मुंबई के बाहर फिल्माया जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो। दोस्तों, कोहराम फिल्म की शूटिंग लोकेशन के इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको कौन सी लोकेशन अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए, आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।